तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अ सब्सटेंस विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट. वह सब्सटेंस जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए, मतलब जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एंड फॉर ग्रोथ और वृद्धि करने के लिए आवश्यक होते हैं, उसे न्यूट्रिएंट कहा जाता है. आवर फूड हैज 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स. हमारे भोजन में 5 मुख्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इन एडिशन टू दिस न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावे वाटर एंड रॉ फिश आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर फूड. वाटर और रॉ फिश भी हमारे फूड के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं. वाटर एंड रॉ फिश डू नॉट हैव एनी फूड वैल्यू, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रिएंट्स. वाटर और रॉ फिश का कोई फूड वैल्यू नहीं होता है, इसलिए उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं माना जाता है. अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड की. आवर फूड हैज 7 कंपोनेंट्स. दीज आर, यानी हमारे फूड के 7 कंपोनेंट्स हैं. वो कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रॉ फिश. और अब हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की. ग्लूकोज, कैन शुगर एंड स्टार्च आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये सभी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल है. कौन कौन सा? ग्लूकोज, कैन शुगर यानी गन्ना जिसे हम लोग कहते हैं, एंड स्टार्च. और स्टार्च ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल है. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है. वी ईट वेरी लिटिल ऑफ ग्लूकोज और कैन शुगर एवरी डे. हम लोग प्रत्येक दिन बहुत थोड़ा ग्लूकोज या कैन शुगर खाते हैं. द मेन कार्बोहाइड्रेट दैट वी ईट ऑन फूड, मुख्य कार्बोहाइड्रेट, मेन कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग अपने भोजन में खाते हैं या लेते हैं, वह स्टार्च होता है. एंड इट कम्स फ्रॉम सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस. जो व्हीट और राइस जैसे सीरियल से आती है. फूड फ्रॉम व्हीट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ चपाती, ब्रेड एंड नूडल्स. व्हीट से फूड को चपाती, ब्रेड और नूडल्स के रूप में तैयार किया जाता है. राइस इज यूज्ड एज सच. राइस को राइस के रूप में ही, यानी इसी रूप में ही यूज किया जाता है. और इन द फॉर्म ऑफ डोसा और इडली, या फिर डोसा और इडली के रूप में तैयार किया जाता है या उसका उपयोग किया जाता है. सो व्हेन वी ईट द फूड आइटम्स लाइक चपाती, ब्रेड, नूडल्स, राइस, डोसा एंड इडली डीसी. इसलिए जब हम लोग फूड आइटम्स जैसे कि चपाती, ब्रेड, नूडल्स, राइस, डोसा और इडली इत्यादि को खाते हैं, देन वी टेक स्टार्च कार्बोहाइड्रेट. तो हम लोग क्या लेते हैं? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इन टू आवर बॉडी. एंड दिस स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स इनर्जी टू आवर बॉडी. और यह स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को इनर्जी प्रोवाइड करती है. इवन पोटैटोज विच वी ईट ऑलमोस्ट एवरी डे इन वन फॉर्म और द अदर. यहाँ तक कि पोटैटोज जिसे हम लोग एक रूप में या उससे अधिक या अन्य रूप में प्राय खाते हैं, कंटेन अ लॉट ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट. उसमें स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होते हैं. सम ऑफ द कॉमन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड आर. हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ कॉमन सोर्सेस हैं, सीरियल्स जैसे व्हीट, राइस, मेज, पर्ल, मिलेट, पोटैटोज, स्वीट पोटैटो, शुगर, जैगरी एंड हनी. फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, मेलन एंड पपाया आल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. और अब बात करते हैं हम लोग फैट्स की. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फैट भी हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, मतलब ऊर्जा प्रदान करती हैं. इनफैक्ट वास्तव में फैट्स प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज दैट प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. वास्तव में फैट जितना कि कार्बोहाइड्रेट्स
एनर्जी प्रोवाइड करती हैं उसका दो गुना हमें प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल लिटिल बटर प्रोवाइड्स अस मच मोर एनर्जी देन अ लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड। एक लिटिल बटर एक लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड की तुलना में ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। बटर घी ग्राउंड नट ऑयल मस्टर्ड ऑयल सनफ्लावर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल आर द कॉमन फैट्स। ये सभी क्या हैं? तो कॉमन फैट्स हैं। बटर घी ग्राउंड नट ऑयल मस्टर्ड ऑयल सनफ्लावर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल क्या है? ये तो कॉमन फैट्स यूज्ड बाय अस हमारे द्वारा यूज किया जाने वाला इन एवरीडे लाइफ। फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स क्या हैं? तो रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। बट दे आर मोर एक्सपेंसिव देन कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन वे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं देन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ज़्यादा महंगे होते हैं। सिंस बोथ फैट्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी। चूंकि दोनों ही फैट्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसलिए देयरफॉर इसलिए द फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इसलिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स को एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। फैट्स आर सप्लाई टू आवर बॉडी बाय मेनी फूड्स सच एज बटर घी मिल्क चीज ऑयल ग्राउंडनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल सनफ्लावर ऑयल कोकोनट ऑयल इत्यादि। फैट्स हमारे बॉडी में अनेक फूड के रूप में अनेक फूड के द्वारा जैसे कि बटर घी इन सबों के द्वारा आपूर्ति की जाती है। और क्या चीज़ इसके अलावे? तो एग योक यानी येलो ऑफ एन एग यानी एग का येलो पार्ट मीट ग्राउंड नट केसू एंड सोयाबीन। इसके अलावे इन सबों के द्वारा भी फैट्स आपूर्ति की जाती है सप्लाई की जाती है। फैट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। फैट्स को प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स से भी प्राप्त किया जा सकता है। सम ऑफ द प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट्स आर कुछ प्लांट सोर्स ऑफ फैट्स हैं ग्राउंडनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल सनफ्लावर ऑयल सोयाबीन ऑयल ग्राउंडनट तिल एंड नट्स। और एनिमल सोर्स ऑफ फैट्स हैं बटर घी मिल्क क्रीम चीज एंड एग एंड मीट। और अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन सप्लाई द बॉडी विद मटेरियल्स टू मेक न्यू सेल्स। प्रोटीन्स क्या करती हैं? बॉडी को नए सेल्स बनाने वाले मटेरियल प्रोवाइड करती हैं ये सप्लाई करती हैं। विच बिल्ड द बॉडी जो बॉडी का निर्माण करती हैं एंड मेक इट ग्रो और उसे ग्रो कराती है। प्रोटीन्स आल्सो गिव मटेरियल्स विच रिपेयर द डैमेज्ड बॉडी सेल्स। प्लांट्स वैसे मटेरियल्स भी प्रोवाइड करती हैं जो डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करती हैं। दस प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। इस प्रकार प्रोटीन की जरूरत हमारे बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए होती हैं। इनफैक्ट फूड कंटेनिंग्स प्रोटीन आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी प्रोटीन वाले भोजन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि यह हमारे बॉडी का यह ग्रोथ करता है और साथ में हमारे बॉडी की रिपेयर भी करती है। चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स देन एडल्ट्स। चिल्ड्रन को एडल्ट से ज़्यादा यानी बड़ों की तुलना में ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। क्या कारण? उसकी बॉडी के रैपिड ग्रोथ के कारण यानी प्रगति से वृद्धि के कारण। वेरियस फूड विच आर रिच इन प्रोटीन्स आर मिल्क चीज पल्सेस पीस बीन्स सोयाबीन ग्राउंड नट फिश मीट चिकन एंड एग्स। ये सभी क्या है? तो प्रोटीन्स के मुख्य स्रोत हैं। ऑल दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इन सबों को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। द नेम्स ऑफ सम ऑफ द पल्सेस और डाल्स विच कंटेन लॉट ऑफ प्रोटीन्स आर बंगाल ग्राम चना ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम यानी मूंग एंड लेंटिल यानी मसूर। इन सबों में क्या होते हैं? काफी
प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल फूड। प्रोटीन प्लांट के साथ साथ एनिमल फूड से भी प्राप्त किया जा सकता है। द फूड सच एज पल्सेस, पीस, बीन्स, सोयाबीन, ग्राउंड आर गुड सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। ये सभी क्या है? तो सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। फूड्स लाइक मिल्क, चीज, फिश, मीट, चिकन एंड एग्स, ये सभी क्या है? द मेन सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स हैं। मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल्स यूजुअली कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, अधिकांश फूड मटेरियल में प्राय एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। और अब एक इम्पोर्टेंट बात, राइस इज सेड टू बी अ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, सिमिलरली बटर इज फैट रिच फूड, जबकि बटर को फैट रिच फूड कहा जाता है। वेयर इज फिश इज अ प्रोटीन रिच फूड, जबकि फिश को प्रोटीन रिच फूड कहा जाता है। और अब हम लोग बात करते हैं विटामिन की। विटामिन आर नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट, हेल्दी टीथ, गम्स एंड बोन्स, प्रॉपर डाइजेशन, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। इन फैक्ट विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। वास्तव में विटामिन हमारे बॉडी की सुरक्षा करने में, और कैसे? अगेंस्ट डिजीजेस, रोगों के विरुद्ध हमारे बॉडी की सुरक्षा करने में मदद करती हैं। दो, विटामिन आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बट देयर प्रेजेंस इज एसेंशियल इन आवर फूड। हालांकि विटामिन की जरूरत बहुत कम मात्रा में हमारे बॉडी में होती है, बट देयर प्रेजेंस इज एसेंशियल इन फूड, लेकिन उसकी उपस्थिति हमारे फूड में अनिवार्य होती है, आवश्यक होती हैं। मेनी विटामिन आर नॉन एट प्रेजेंट, अनेक विटामिन वर्तमान में ज्ञात हैं। वो कौन कौन सा? विटामिन आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट सच एज ए, बी, सी, डी, ई एंड के। इन दोज केसेस वेयर द सेम लेटर यूज टू रिप्रेजेंट मोर देन वन विटामिन, जहाँ कहीं सेम लेटर यूज किए जाते हो एक से ज़्यादा विटामिन को यूज करने के लिए, वी पुट द डिजिट्स 1, 2, etc. तो वहाँ पर हम लोग डिजिट्स 1, 2, 3 रखते हैं जस्ट आफ्टर द लेटर इन अ लिटिल लोअर पोजिशन सो एज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। फॉर एग्जाम्पल विटामिन B1 is written as vitamin B1 and vitamin B2 is written as vitamin B2. Some of the important vitamins are vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Vitamin B1, B2, B6 and B12 taken together are known as विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उन्हें क्या कहता है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल दिस विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज टू रिमेन हेल्दी, हमारे बॉडी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐसे विटामिनों की जरूरत होती है टू रिमेन हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए। विल नाउ गिव द फंक्शन ऑफ द विटामिन इन बॉडी। अब हम लोग बात करते हैं सभी विटामिन के फंक्शन की, यानी उसके क्या क्या कार्य हैं। विटामिन ए, विटामिन ए प्रोटेक्ट्स द आईज, स्किन एंड हेयर। विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर गुड आई साइट, हेल्दी स्किन एंड हेयर, हेल्दी स्किन और हेयर के लिए विटामिन ए अनिवार्य होती है। द वेरियस सोर्स ऑफ विटामिन ए आर द फूड्स सच एज मिल्क, बटर। अब ये क्या है? तो सोर्सेस ऑफ विटामिन ए वो क्या क्या? तो मिल्क, बटर, कैरोट, फिश, लीवर ऑयल, eggs, green vegetables, mango and papaya. All these food materials contain good amount of vitamin A. और अब बात करते हैं विटामिन B1 की। विटामिन B1 is essential for growth and proper functioning of the digestive system, heart, nerves and muscles. अभी क्या क्या चीज़ मौजूद होती हैं? तो मिल्क, eggs, मीट, whole grain, cereals, like wheat grains and rice, potatoes, yeast and green vegetables. Now vitamin C. Vitamin C is necessary for keeping teeth, gums and joints healthy.
कैच के लिए नेसेसरी होती है, कैच के लिए अनिवार्य, तो टीथ, गम्स और ज्वाइंट्स को हेल्दी रखने के लिए। विटामिन सी ऑल्सो इंक्रीजेज द रेसिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू इन्फेक्शन एंड हेल्प्स टू फाइट डिजीजेस। विटामिन सी इज प्रेजेंट इन, अब ये किसे मौजूद होता है, तो साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, लाइम एंड लेमन, आंवला, टोमेटो, गुआवा एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। और उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। क्या इसके लिए अनिवार्य होती है, तो नॉर्मल बोन्स ऑफ बोन्स, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। क्या इसके लिए, तो बोन्स और टीथ के ग्रोथ के लिए। अब विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्सॉर्ब कैल्शियम मिनरल फ्रॉम द फूड। विटामिन डी हमारे बॉडी की मदद करती है टू एब्सॉर्ब कैल्शियम मिनरल, कैल्शियम मिनरल को अब्सॉर्ब करने के लिए फ्रॉम द फूड। एंड दिस कैल्शियम मेक्स द बोन्स एंड टीथ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। और इस यह कैल्शियम बोन्स और टीथ को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाती है। विटामिन डी इज प्रेजेंट इन फूड स्टफ सच एज, अब विटामिन डी फूड स्टफ्स में इस प्रकार के फूड स्टफ्स में मौजूद होती है, वो कौन कौन सा, मिल्क, फिश, एग, बटर एंड फिश लिवर ऑयल। सम विटामिन डी इज ऑल्सो मेड इन आवर बॉडी वेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट, जब हमारा स्किन सनलाइट में होता है। इन आवर कंट्री द न्यू बॉर्न बेबीज आर एक्सपोज टू सनशाइन एवरी डे, हमारे कंट्री में न्यू बॉर्न बेबीज को या नवजात शिशु को हर दिन धूप में रखा जाता है। दिस इज डन टू प्रोड्यूस विटामिन डी, क्या करने के लिए, तो विटामिन डी बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए। और अब बात करते हैं हम लोग मिनरल्स की। आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। हमारे बॉडी को मिनरल्स की जरूरत होती है फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, इसके सही उचित कार्य करने के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए एंड गुड हेल्थ और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मिनरल्स आर नीडेड टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ, मिनरल्स की जरूरत बोन्स और टीथ को बनाने के लिए की जाती है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, और क्या इसके लिए, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का थक्का जमने के लिए, एंड फंक्शनिंग मसल्स और मसल्स के काम करने के लिए, नर्व्स एंड थायराइड ग्लैंड और नर्व्स और थायराइड ग्लैंड के काम करने के लिए। यानी किन किन चीज़ों के लिए, तो सबसे पहले तो हो गया कि प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड दूसरा गुड हेल्थ। अब डिटेल में क्या क्या चीज के लिए, क्या चीज के लिए जरूरत होती है, तो मिनरल्स आर नीडेड टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ, एंड बिल्ड बोन्स एंड टीथ, बोन्स और टीथ का निर्माण करने में, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के निर्माण में, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के थक्का जमने में, एंड फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, नर्व्स एंड थायराइड ग्लैंड। मिनरल्स आर नीडेड आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, मिनरल्स की जरूरत हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में होती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स नीड बाय आवर बॉडी आर, अब कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी को जरूरत होती है, वो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम। और अब हम लोग बात करते हैं कुछ मिनरल्स की, इम्पोर्टेंट मिनरल्स की, वो हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो कैल्शियम इज नीडेड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ, बोन्स और टीथ बनाने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ हार्ट एंड अदर मसल्स, और इसके अलावा हार्ट और मसल्स के सही कार्य करने में भी मदद करती है, एज वेल एज इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और ब्लड के क्लॉटिंग में भी, यानी ब्लड के थक्का जमने में। चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम देन एडल्ट्स, बच्चों को बड़ों से ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है, बिकॉज दे ग्रो फास्ट, क्योंकि वे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, एंड देयर बोन्स एंड टीथ आर टू बी मेड लार्जली फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट्स, और उसके बोन्स और टीथ को काफी ज्यादा बननी होती है। सम ऑफ द फूड्स विच आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, अब ये कौन कौन से सोर्सेस हैं कैल्शियम के, तो मिल्क,
चीज, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां एंड फिश। तो व्हीट एंड राइस कंटेंस वेरी लिटिल ऑफ कैल्शियम, व्हीट और राइस में बहुत ही कम कैल्शियम होते हैं। लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम की तरह फॉस्फोरस की जरूरत बोन्स और टीथ के निर्माण के लिए होती है। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, सोर्सेस क्या हो सकते हैं फॉस्फोरस के, तो मिल्क, पर्ल मिलेट यानी से बाजरा कहते हैं, बनाना, पल्सेस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। मिल्क इज वन फूड आइटम विच कंटेन बोथ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अब मिल्क वह भोजन होता है, वह फूड आइटम होता है जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों मिनरल्स गुड अमाउंट्स में होते हैं। सो वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली टू गेट स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। इसलिए हमें या हम सबों को स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ पाने के लिए डेली मिल्क पीना चाहिए। अब हम बात करते हैं आयोडीन की। देयर इज अ थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन द नेक ऑफ आवर बॉडी। इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। आयोडीन एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड विच कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जो बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करती है। आयोडीन हेल्प्स थायराइड ग्लैंड टू मेक अ हार्मोन विच कंट्रोल्स ग्रोथ। मतलब आयोडीन थायराइड ग्लैंड को मदद करती है टू मेक अ हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन बनाने के लिए विच कंट्रोल्स ग्रोथ, जो ग्रोथ को कंट्रोल करती हो। द वेरियस सोर्सेज ऑफ आयोडीन इन फूड आर, अब वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, सी फूड यानी लाइक सी फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट विच कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयोडीन सॉल्ट इज नोन एज आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडीन ऑल्सो प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर at most of the places. अब उसके बाद था आयरन। आयरन नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन, क्या बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरत होती है इन रेड ब्लड सेल्स। दस आयरन इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, और इस प्रकार आयरन हीमोग्लोबिन का एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है इन द ब्लड। नाउ सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ आयरन इन आवर फूड आर स्पिंच यानी पालक, साग, अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स, एग्स, लीवर, सीरियल्स लाइक बाजरा, पल्सेस एंड ग्राउंड नट्स। अब बात करते हैं हम लोग वाटर की। वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ बट इट हैज नो फूड वैल्यू इन आवर बॉडी। वाटर लाइफ के लिए एसेंशियल होता है, मतलब अनिवार्य होता है, लेकिन हमारे बॉडी में इसका कोई फूड वैल्यू नहीं होता है। अ पर्सन कैन लीव विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक्स। एक पर्सन, एक व्यक्ति बिना भोजन के कई सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं, बट वुड डाई इन अ फ्यू डेज विदाउट वाटर, लेकिन बिना पानी के कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। वाटर प्रोवाइड्स अ लिक्विड इन विच, वाटर वो लिक्विड प्रोवाइड करता है इन विच अदर सब्सटेंसेस कैन डिसॉल्व, जिसमें अन्य सब्सटेंस डिसॉल्व कर सकते हैं, घुल सकते हैं, मूव और मूव कर सकते हैं विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर वो मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, और एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी से एलिमिनेट हो सकते हैं, मतलब बाहर हो सकते हैं। वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी, वाटर की जरूरत होती है बाय आवर बॉडी यानी हमारे बॉडी को वाटर की जरूरत होती है टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल्स। डाइजेस्टेड फूड को बॉडी सेल्स तक पहुंचाने के लिए टू ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट केमिकल्स सच एज हार्मोन्स अराउंड द बॉडी, पूरे बॉडी में इम्पोर्टेंट केमिकल जैसे कि हार्मोन्स को पहुंचाने के लिए। टू गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा पाने के लिए। एंड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने और उसे रेगुलेट करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। नाउ हम लोग बात करते हैं
डिटेल्स में, वाटर डिसॉल्व द डाइजेस्टेड फूड विच देन पासेज इन टू ब्लड. वाटर डाइजेस्टेड फूड को डिसॉल्व कर देती है, मतलब घोल देती है. विच देन पासेज इन टू ब्लड, तब विच देन पासेज इन टू ब्लड, जो तब ब्लड में चली जाती है. ब्लड इज मोस्टली वाटर, ब्लड अधिकांशतः वाटर होते हैं. वाटर प्रजेंट इन ब्लड, यानी प्रजेंट ब्लड में प्रजेंट वाटर, ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड. टू ईच एंड एवरी सेल, हर सेल में डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करती है. इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी पार्ट्स तक. द वाटर इन ब्लड ऑल्सो कैरीज केमिकल्स लाइक हार्मोन्स अराउंड द बॉडी. ब्लड में मौजूद वाटर केमिकल्स जैसे कि हार्मोन्स को पूरे बॉडी में, अराउंड द बॉडी यानी पूरे बॉडी में उसे ले जाती हैं. वाटर ऑल्सो डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी सो दैट दे कैन बी रिमूव्ड थ्रू यूरिन एंड स्वीट. वाटर बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को भी डिसॉल्व कर देती है, सो दैट दे कैन बी रिमूव्ड थ्रू यूरिन एंड स्वीट, ताकि उसे यूरिन और स्वीट्स के माध्यम से, यूरिन और यानी पेशाब और पसीने के माध्यम से बाहर निकाला जा सके. वाटर कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड इवापोरेशन. वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं. किसके द्वारा? तो हीटिंग और इवापोरेशन के प्रोसेस के द्वारा. तो व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज हाई, जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वाटर ऊसेस आउट थ्रू द स्किन. वाटर स्किन से बाहर निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्वीट, पसीने के रूप में. व्हेन द स्वीट इवापोरेट्स फ्रॉम आवर बॉडी, जब पसीना या पसीना हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, इट टेक्स द हीट. तो यह हीट लेता है रिक्वायर्ड फॉर इवापोरेशन, इवापोरेशन के लिए आवश्यक हीट लेता है फ्रॉम द आवर स्किन, हमारे स्किन से. तो बाय लूजिंग हीट, हीट को लूज करके Our स्किन कूल्स डाउन अ लिटिल बिट, हमारा स्किन थोड़ा ठंडा हो जाता है. एंड वी फील कूल एंड कम्फर्टेबल, और हम लोग ठंडा और आरामदायक महसूस करते हैं. आवर बॉडी नीड्स 2 to 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे. हमारे बॉडी को हर दिन 2 to 3 liters पानी की जरूरत होती है. वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स बाय ड्रिंकिंग वाटर, मिल्क, टी, कॉफी एंड जूस इटीसी. हम लोग अधिकांश वाटर प्राप्त करते हैं दैट आवर बॉडी नीड्स, जो हमें जरूरत होती है वह इसके द्वारा. तो पानी पी करके, मिल्क पी करके, टी पी करके, कॉफी पी करके एंड जूस, और जूस पी. Many food materials themselves contain some water. अनेक food materials में कुछ water होते हैं. The fresh fruits and vegetables also provide us a lot of water. Fresh fruit और vegetables भी बहुत पानी हमें provide करते हैं. For example, tomatoes, melons, cabbage and lettuce contain लॉट ऑफ वाटर. इन सबों में क्या होते हैं? तो ज़्यादा पानी होते हैं इसमें, तो टोमेटो, मेलन, कैबेज एंड लेट्यूस. वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स. हम लोग अनेक फूड आइटम्स बनाते समय भी, पकाते समय भी वाटर मिलाते हैं. दिस वाटर ऑल्सो गोज इन टू आर बॉडी, और यह वाटर भी हमारे बॉडी में जाता है. उसका बिफोर वी गो फर्दर एंड डिस्कस रफेज, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ 3 terms, होल मील, फ्लोर प्रोडक्ट, फेसेस एंड कंस्टिपेशन. द फ्लोर मेड फ्रॉम द इंटायर व्हीट ग्रेन्स,
फ्रॉम विच ब्रान इज नॉट रिमूव्ड इज कॉल्ड होल मिल फ्लोर. होल मिल फ्लोर प्रोडक्ट्स इंक्लूड होल मिल चपाती एंड होल मिल ब्रेड. यानी होल मिल फ्लोर में होल मिल चपाती और होल मिल ब्रेड इंक्लूड होते हैं. द वेस्ट मैटर रिमेनिंग आवर बॉडी आफ्टर द फूड रिमेनिंग इन आवर बॉडी आफ्टर द फूड हैज बीन डाइजेस्टेड इज कॉल्ड फेसेस. वह वेस्ट मैटर हमारे बॉडी में रहने वाले वह वेस्ट मैटर आफ्टर द फूड फूड के बाद वह जो डाइजेस्ट हो जाता है इज कॉल्ड फेसेस. वी डिस्चार्ज फेसेस व्हेन वी गो टू टॉयलेट. हम लोग जब टॉयलेट जाते हैं तो फेसेस को डिस्चार्ज कर देते हैं. समटाइम्स द फेसेस बिकम्स हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिस्चार्ज. कभी कभी फेसेस हार्ड होते हैं या हार्ड हो जाते हैं एंड इक्वल टू डिस्चार्ज और डिस्चार्ज करना त्यागना कठिन होता है. द डिफिकल्टी इन डिस्चार्जिंग हार्डनिंग हार्डन फेसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड कंस्टिपेशन. यानी बॉडी से हार्डन फेसेस को कठोर मल को बाहर करने में कठिनाई कंस्टिपेशन कहलाती है यानी कब्ज कहलाती है. कंस्टिपेशन ऑल्सो नोन एज कब्ज इन हिंदी. तो कीपिंग दिस पॉइंट्स इन माइंड विल नाउ डिस्कस रफेस. तो अब हम लोग रफेस के बारे में बात करते हैं. नाउ रफेस. रफेस इज द फाइब्रस मैटर इन फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. रफेस फूड का वह फाइब्रस मैटर होता है वह रसेदार पदार्थ होते हैं जिसे पचाया नहीं जा सकता है. रफ इज मेनली मेड ऑफ एन इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड सेलुलोज. रफ इज मुख्यतः इनडाइजेस्टेबल अपच अपाच्य यानी जिसे पचाया नहीं जा सके उसे क्या बोलते हैं अपाच्य कार्बोहाइड्रेट जिसे सेलुलोज कहते हैं से बनी होती है. यानी कह सकते हैं रफेस किससे बनी होती है तो सेलुलेस से सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल्स जो प्लांट सेल वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं. रफेस आल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर. रफेस को डाइटरी फाइबर भी कहा जाता है. लाइक वाटर रफेस की तरह सॉरी वाटर की तरह रफेस डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी. रफेस भी हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करती हैं. दो हालांकि रफेस हैज नो फूड वैल्यू बट इट्स प्रेजेंस एसेंशियल इन आवर फूड. लेकिन इसका प्रेजेंस हमारे बॉडी में और यहाँ तक कि हमारे भोजन में एसेंशियल होती है. रफेस इज नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. रफेस प्रोवाइड्स बल्क टू द फूड कीप्स द फूड एंड वेस्ट मैटर मूविंग अलॉन्ग द इंटेस्टाइन्स एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट कंस्टिपेशन. तो रफेस क्या करती हैं प्रोवाइड्स बल्क टू द फूड भोजन को भारीपन प्रोवाइड करती हैं. कीप्स द फूड भोजन को और वेस्ट मैटर को कीप्स द फूड एंड वेस्ट मैटर मूविंग अलोंग द इंटेस्टाइन के साथ वो भारी करती हैं भारीपन लाती हैं एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट कंस्टिपेशन और कंस्टिपेशन को रोकने में मदद करती हैं. क्या मतलब हुआ एक बार फिर से. रफेस फूड को बल्क प्रोवाइड करती है फूड और वेस्ट मैटर को मूविंग कराती है अलोंग द इंटेस्टाइन के साथ इंटेस्टाइन कलॉन्ग एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट कंस्टिपेशन और कंस्टिपेशन को रोकने में मदद करती है.
roughage is provided mainly by the plant products which we include in our food. Roughage is provided mainly by the plant products. Roughage मुख्य रूप से plants product के द्वारा provide की जाते हैं, जिसे हम लोग अपने food में include करते हैं. तो some of the good sources of roughage in our food are fruits. ये क्या है? Sources हैं. Fruits, vegetable and wholemeal flour products, such as wholemeal chapati and wholemeal bread. जैसे कि चोकरयुक्त चपाती, चोकरयुक्त ब्रेड, यानी इसमें चोकर हो, यानी मोटे मटेरियल हो. उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स की. द वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. डिफरेंट फूड कंटेंट्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन देम. अलग अलग फूड में अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. वी कैन आइडेंटिफाई द मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड बाय परफॉर्मिंग सर्टेन टेस्ट. तो हम लोग कुछ टेस्ट करके फूड में मौजूद मुख्य न्यूट्रिएंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं. तो अब सबसे पहला हम लोग बात करेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड की. द प्रेजेंस, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग डाइल्यूट एड इन सॉल्यूशन. क्या करके? डाइल्यूट एड इन सॉल्यूशन का यूज करके फूड आइटम में मौजूद स्टार्च के प्रेजेंस को टेस्ट किया जा सकता है. क्या करके? डाइल्यूट एड इन सॉल्यूशन. डाइल्यूट एड इन सॉल्यूशन. दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एड इन प्रोसेस प्रोड्यूसेस, और यह टेस्ट इस फैक्ट पर आधारित होता है कि आयोडीन प्रोड्यूसेस अ ब्लू ब्लैक कलर ऑन कंबाइनिंग विद स्टार्च. आयोडीन क्या करती है? तो स्टार्च के साथ मिलने पर ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस करती है. सो अ फूड आइटम, इसलिए अ फूड आइटम विच गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन विल कंटेन स्टार्च. उसमें क्या होगा? तो स्टार्च होगा. ऑन द अदर हैंड अ फूड आइटम इज डज नॉट प्रोड्यूस अ ब्लू ब्लैक कलर ऑन एडिंग डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन विल नॉट कंटेन स्टार्च. वो फूड आइटम जिसमें विच डज नॉट प्रोड्यूस अ ब्लू ब्लैक कलर, जो ब्लू ब्लैक कलर प्रोवाइड नहीं करता हो ऑन एडिंग डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन एड करने पर विल नॉट कंटेन स्टार्च, उसमें स्टार्च नहीं होगा. नाउ द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड आइटम कैन बी परफॉर्म्ड एज फॉलोस. सबसे पहले क्या करते हैं? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड टू बी टेस्टेड. एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द फूड विद अ ड्रॉपर. इफ अ ब्लू ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस्ड, यदि ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता हो देन स्टार्च इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड. नाउ टेस्ट फॉर फैट इन फूड. द प्रेजेंस ऑफ फैट इन अ गिवन फूड आइटम कैन बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट फैट्स प्रोड्यूस ग्रीसी पैच when rubbed on a clean sheet of paper. The greasy patch produced by fat on paper is translucent. Greasy patch produced by fat on paper, yani paper par fat ke dwara produced banaye gaye ya taiyar kiye gaye greasy patch translucent hote hain, matlab parvasi hote hain, na to purna roop se transparent और ना ही, मतलब जिसे हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं, विच लेट्स सम लाइट टू पास थ्रू इट, जो कुछ लाइट को अपने में से होकर पास करने देती है. व्हेन द पेपर इज हेल्ड टुवर्ड्स अ सोर्स ऑफ लाइट,
Since some light passes through it, a greasy patch appears to be bright. इसलिए greasy part, greasy patch, bright मालूम पड़ता है as compared to the rest of paper. Though we can use a white sheet of paper for testing fat in food. हालांकि हम लोग white sheet of paper use कर सकते हैं for testing fat in food, but greasy patch appears more prominent on a brown paper. So we'll be using a brown paper. So we can use a white sheet of paper for testing fat, but greasy paper appears more prominent on a brown paper. So test for the presence of fat in food. तो क्या कर सकते हैं? We can test the presence of fat in a given food as follows. Rub a small quantity of the given food in the center of brown paper. Hold this paper in front of source of light and look through it. If the food has left a bright greasy patch, यदि food में bright greasy patch बचा रह जाता हो on paper, then fat is present in the food. तो food में fat मौजूद है. The food item being tested may sometimes contain a little water. और टेस्ट किए गए फूड आइटम में कभी कभी क्या हो सकते हैं? लिटिल वाटर हो सकते हैं, विच में प्रोड्यूस अ वेट पैच. जो वेट पैच ऑन पेपर प्रोड्यूस कर सकती हैं. सो आफ्टर रबिंग द फूड आइटम ऑन पेपर, द पेपर शुड बी अलाउड टू ड्राई फॉर अ वाइल. इसलिए पेपर को थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए. इफ द ग्रीसी पैच रिमेन्स इवन, यदि ग्रीसी पैच उसी तरह रह जाता है. व्हेन द पेपर इज ड्राइड देन द फूड आइटम्स कंटेन फैट. और यदि ग्रीजी पार्ट्स इवन रहता हो, एक समान रहता हो, व्हेन द पेपर इज ड्राइड, जब पेपर को सुखाया जाता हो, देन द फूड कंटेंट्स, ये फूड आइटम्स कंटेंट्स फैट. इफ नो ग्रीजी पैच रिमेन्स ऑन पेपर, यदि कोई ग्रीजी पैच पेपर पर नहीं रहता हो आफ्टर ड्राइंग, सुखाने के बाद, देन द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट. तो फूड आइटम में कोई भी फैट नहीं होता है. और अब बात करते हैं हम लोग टेस्ट फॉर प्रोटीन्स इन फूड. टेस्ट फॉर प्रोटीन्स इन फूड. द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन फूड मटेरियल इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट. मतलब फूड मटेरियल में प्रोटीन्स की उपस्थिति को इस फैक्ट के आधार पर टेस्ट किया जाता है कि प्रोटीन गिव अ वायलेट कलर. कैसा कलर? तो वायलेट कलर विद एन अल्कालिन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के अल्कालिन सॉल्यूशन के साथ यह वायलेट कलर देती है. टू सॉल्यूशंस आर नीडेड फॉर टेस्टिंग प्रोटीन्स. अब दो सॉल्यूशंस की जरूरत होती है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मेड अल्कालीन बाय मिक्सिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अल्कालीन बनाया जाता है बाय मिक्सिंग हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. क्या करके? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिला करके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अल्कालीन बनाया जाता है. इन ऑर्डर टू टेस्ट प्रोटीन्स फूड शुड बी इन लिक्विड फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन. या तो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए या सस्पेंशन में. सो इफ द फूड टू बी टेस्टेड इन इज इन सॉल्ट फॉर्म. इसलिए यदि फूड को सॉल्ट फॉर्म में हो, टेस्ट किया जाने फूड सॉल्ट फॉर्म में हो, तो वी शुड फर्स्ट प्रिपेयर इट्स सस्पेंशन इन वाटर एज फॉलोस. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट फूड एंड मैश इट विद अ पेसल एंड मोर्टार. तो क्या करते हैं कि छोटी सी मात्रा हम लोग सॉल्ट फूड की छोटी सी मात्रा हम लोग लेते हैं और फिर उसे मसलते हैं.
पुट द मैस्ट सॉलिड फूड इन अ टेस्ट ट्यूब। अब क्या करते हैं, मैस्ट मसले गए सॉलिड फूड को टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है एंड एड अ लिटिल वाटर टू मेक अ सस्पेंशन, और घोल बनाने के लिए थोड़ा पानी मिलाते हैं। तो दिस सस्पेंशन ऑफ द फूड कैन देन बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग प्रोटीन्स, और इस फूड के सस्पेंशन को प्रोटीन टेस्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो अब क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन गिवन फूड स्टफ्स कैन बी टेस्टेड एज फॉलोस। टेक 2 ml ऑफ द गिवन फूड स्टफ सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ लिटिल ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टिल द मिक्सचर क्लियर्स, देन एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड सेक द टेस्ट ट्यूब, और फिर टेस्ट ट्यूब को सेक करते हैं, मतलब हिलाते हैं। इफ अ वायलेट कलर अपीयर्स इन द सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन में वायलेट कलर, कौन सा कलर, वायलेट कलर दिखता हो, मालूम पड़ता हो, देन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड स्टफ, तो प्रोटीन फूड स्टफ में मौजूद होता है। इफ हाउएवर द सॉल्यूशन रिमेंस ब्लू, यदि हालांकि सॉल्यूशंस ब्लू रहते हैं, देन प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन फूड स्टफ, तो उस फूड स्टफ में प्रोटीन नहीं होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टेस्ट, ये मिल्क टेस्ट की, ये मालूम करने के लिए कि वेदर इट कंटेंस प्रोटीन्स और नॉट, कि इसमें प्रोटीन होते हैं या नहीं होते हैं। तो टेक 2 ml ऑफ मिल्क इन टेस्ट ट्यूब, क्या करते हैं 2 ml मिल्क लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, एड अ लिटिल ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फिर उसमें डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन थोड़ा सा लेते हैं, मतलब टेक 2 ml ऑफ मिल्क, फिर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाते हैं, फिर उसके बाद एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड सेक द टेस्ट ट्यूब। क्या होता है, अ वायलेट कलर अपीयर्स इन द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में वायलेट कलर यानी बैगनी रंग मालूम पड़ता है या दिखता है, दिस शोज दैट मिल्क कंटेंस प्रोटीन, यह दर्शाता है कि मिल्क में प्रोटीन होते हैं। नाउ बैलेंस डाइट, द फूड विच वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड आवर डाइट, यानी वह भोजन जिसे हम लोग पूरे दिन खाते हैं हमारा डाइट कहलाता है। अ डाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड आइटम्स मेड फ्रॉम सीरियल्स, एक डाइट अनेक फूड आइटम से बना होता है, और वो क्या जिससे मिलकर बना होता है, द सीरियल्स पल्सेस फ्रूट वेजिटेबल्स मीट फिश एग्स और मिल्क, तो इनसे बना होता है, कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड आइटम्स। The diet which contains adequate amount of all the nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. It's called balanced diet. वो क्या कहलाता है? Balanced diet. यानी वह diet जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार के nutrients जैसे कि carbohydrate, fat, protein, vitamins और minerals हों, वह balanced diet कहलाता है। उसके बाद अब आगे बात करते हैं हम लोग डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन एज। अ चाइल्ड एंड अ ग्रोन अप मैन, एक बच्चा और एक बड़ा आदमी आर ऑफ डिफरेंट एज, अलग अलग एज के होते हैं। सो द बैलेंस डाइट ऑफ चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ ग्रोन अप मैन, इसलिए एक बच्चे का बैलेंस डाइट एक बड़े व्यक्ति के डाइट से अलग होता है। A growing child needs more proteins in his diet than a grown-up man. This extra protein is needed to make the body tissues of the fast growing child. और ये extra protein की जरूरत होती है इसके लिए, to make the body tissues of the fast growing child. तेजी से बढ़ते हुए बच्चे के body tissue का
निर्माण करने के लिए, उसे बनाने के लिए. सो द डाइट ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड शुड कंटेन मोर ऑफ प्रोटीन रिच फ्रूट्स देन द डाइट ऑफ ग्रोन अप मैन. इसलिए बढ़ते हुए बच्चे के डाइट में बड़े व्यक्ति के डाइट की तुलना में ज्यादा प्रोटीन रिच फूड होने चाहिए. अ ग्रोइंग चाइल्ड ऑल्सो नीड्स मोर मिनरल्स. एक बढ़ते हुए बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स की भी जरूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. क्या इसके लिए? तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स. क्या इसके लिए? तो बोन्स के फॉर्मेशन के लिए. देन अ ग्रोन अप मैन, एक बड़े व्यक्ति के तुलना में. नाउ डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन के आधार पर डाइट की डिपेंडेंस, मतलब उसकी निर्भरता, यानी काम पर, कार्य पर, पेशे पर डाइट की निर्भरता. द जॉब और प्रोफेशन ऑफ पर्सन इज नोन एज हिज ऑक्यूपेशन. डिफरेंट जॉब्स इन्वॉल्व डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वर्क. अलग अलग जॉब में अलग अलग मात्रा में काम की जरूरत होती है, या अलग अलग मात्रा में काम होते हैं. अलग अलग जॉब्स में अलग अलग मात्रा में काम होती है. द बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क वी डू इन आवर ऑक्यूपेशन. बैलेंस डाइट कार्य की उस मात्रा पर निर्भर करती है जिसे हम अपने ऑक्यूपेशन में करते हैं, जिसे हम अपने पेशे में करते हैं. सो द बैलेंस डाइट of a man doing hard physical work is different from another man doing normal work. इसलिए hard physical work करने वाले man का balanced diet दूसरे का normal काम करने वाले another man से अलग होती है. A man doing hard physical work like a लेबर और कारपेंटर नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स इन हिज डाइट देन अनदर मैन डूइंग नॉर्मल वर्क. अब उसके बाद करते हैं अवॉइड वेस्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस. वेस्टफुल प्री कुकिंग और कुकिंग प्रैक्टिस से बचें. द मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स आर नॉट फिट फॉर ईटिंग एज सच. अधिकांश रॉ फूड मटेरियल्स फिट नहीं होते हैं क्या इसके फॉर ईटिंग, जैसे कि वे होते हैं. द रॉ फूड मटेरियल्स आर वॉश्ड, पील्ड, कट एंड कुक्ड टू मेक देम फिट फॉर ईटिंग. रॉ फूड मटेरियल्स को धोया जाता है, छिला जाता है, काटा जाता है और तब पकाया जाता है टू मेक देम फिट फॉर ईटिंग, खाने के लिए, फिट बनाने के लिए. Some nutrients present in food materials are, however, lost during the pre-cooking. कुछ nutrients जो कि food materials में मौजूद होते हैं, हालांकि वो क्या होते हैं, lost हो जाते हैं during the pre-cooking. Pre-cooking से पहले, sorry, pre-cooking के दौरान, ये मतलब खाना पकाने से पहले, and cooking practices और खाना पकाने के दौरान, which should be avoided, जिससे बचना चाहिए. तो the various waste फुल प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस विच लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर, यानी ये मतलब हुआ खाना पकाने से पहले वेस्टफुल प्रैक्टिसेस जिसके कारण कि न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, वो क्या होता है, द रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस, बार बार चावल और दाल का धोना. दूसरा, और किसी कारण न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, तो वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर दे हैव बीन पील्ड एंड कट, उसके छिलने और काटने के बाद फ्रूट्स के वेजिटेबल्स का धोना. एंड तीसरा, टेकिंग ऑफ थिक पील्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मोटे छिलके उतारना. तो अब क्या होता है उसके बाद, रिपीटेड वॉशिंग इम्पोर्टेंट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्या है, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस रिमूव्स द वाटर सोल्युबल विटामिन्स, वो वाटर सोल्युबल विटामिन्स को रिमूव कर देती है, मतलब हटा देती है. एंड सम मिनरल्स, और कुछ मिनरल्स हटाती है फ्रॉम देम एंड हैंस लोअर देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू, और इस प्रकार न्यूट्रिटिव वैल्यू को कम कर देती है. द वॉशिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेजिटेबल्स
वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर दे हैव बीन पील्ड एंड कट, यानी उसके छिलने और काटने के बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल के धोने से वाटर सोल्युबल विटामिन्स और कुछ मिनरल्स बह जाते हैं या हट जाते हैं, तो दिस लोअर्स देयर न्यूट्रिटी वैल्यू, और ये न्यूट्रिटी वैल्यू को कम कर देती हैं। तो टू अवॉइड द लॉस ऑफ विटामिन मिनरल्स विद द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी फर्स्ट वॉश्ड। तो विटामिन्स और मिनरल के लॉस से बचने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पहले धोया जाना चाहिए एंड देन पील्ड एंड कट, और तब उसे छिला जाना चाहिए और काटा जाना चाहिए। नाउ कुकिंग ऑफ फूड हैज मेनी बेनिफिशियल इफेक्ट्स, भोजन के पकाने के अनेक बेनिफिशियल इफेक्ट हैं। कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड्स, टेस्ट ऑफ फूड, कुकिंग क्या करती है तो फूड के टेस्ट को इम्प्रूव करती है, मतलब बढ़ाती है। एंड ऑल्सो मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट, और उसे पचाना ज़्यादा आसान बनाती है। नाउ द वेरियस वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिसेस विच लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब कुछ वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिसेस यानी खाना पकाने वाले कार्य विच लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, के कारण न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, वो क्या है, कुकिंग द फूड एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पर, ज़्यादा तापमान पर खाना पकाना। दूसरा थ्रोइंग ऑफ ए वाटर, वाटर को फेंक देना, इन विच फूड इज फर्स्ट बॉयल, जिसमें वाटर को पहले बॉयल किया गया था। नाउ विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड इजली बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, कुकिंग के दौरान हीट से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाते हैं। सो व्हेन फूड इज कुक्ड एट अ हाई टेम्परेचर देन द एक्सेसिव हीट डिस्ट्रॉय अ मेजर पोर्शन ऑफ विटामिन सी, वी शुड देयरफॉर इंक्लूड सम फ्रेश फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स एज सलाद इन आवर फूड टू गेट द रिक्वायर्ड विटामिन सी। नाउ डिफिशेंसी डिजीजेस, अभाव जनित रोग, वी हैव जस्ट लर्न दैट, हम लोगों ने अभी तुरंत सीखा है कि एसेंशियल फूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, कि आवश्यक फूड न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स विटामिन्स प्रोटीन्स एंड मिनरल्स होते हैं। इफ एनी वन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स इज इन लेस क्वांटिटी देन रिक्वायर्ड और मिसिंग ऑलटुगेदर, यदि इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में हों, जरूरत से कम मात्रा में हों या गायब हों फ्रॉम आवर डाइट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक, देन इट कैन कॉज अ डिजीज, तो इसके कारण बीमारी हो सकती है। सिंस दिस डिजीज अराइजेस फ्रॉम द डिफिशेंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट इज कॉल्ड डिफिशेंसी डिजीज। So we can now say that a disease which arises due to the lack of nutrients, what disease, जो nutrients की कमी के कारण होता हो, जैसे कि carbohydrates, fats, proteins, vitamins और minerals के अभाव के कारण, in our diet over a long period of time, लंबे समय के बाद, is called deficiency disease. Now protein deficiency disease, protein की कमी से होने वाले रोग। द डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन कॉज डिजीज नॉन एज क्वासियोरकर, यानी छोटे बच्चे में डाइट में प्रोटीन की कमी के कारण एक रोग होती है जिसे क्वासियोरकर कहते हैं। क्वासियोरकर डिजीज अकर्स इन चिल्ड्रन ऑफ 1 to 5 years ऑफ एज। क्वासियोरकर डेवलप्स व्हेन अ मदर स्टॉप्स फीडिंग हर चाइल्ड विद ब्रेस्ट मिल्क ड्यू टू द बर्थ ऑफ अनदर बेबी टू सून। अब ये कब होता है, तो क्वासियोरकर तब होता है जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है ड्यू टू द बर्थ ऑफ अनदर बेबी टू सून, दूसरे बच्चे के बहुत जल्द जन्म लेने के कारण। एंड आफ्टर विनिंग फ्रॉम द प्रोटीन रिच ब्रेस्ट मिल्क, और प्रोटीन रिच ब्रेस्ट मिल्क छुड़ाने के बाद चाइल्ड फ्रॉम अ पुअर फैमिली यानी गरीब परिवार के बच्चे
को एक डाइट दिया जाता है, गिवन डाइट कंसिस्टिंग मेनली ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादा से ज्यादा या मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स बने डाइट दिए जाते हैं, हैविंग लो प्रोटीन कंटेंट और कम प्रोटीन की मात्रा वाले, बहुत कम प्रोटीन वाले कंटेंट दिए जाते हैं। दस क्वाशियोरकर इज अ प्रोटीन डिफिशेंसी डिजीज, इस प्रकार क्वाशियोरकर एक प्रोटीन डिफिशेंसी डिजीज है। अब आते हैं हम लोग मेन सिम्टम्स की बात करते हैं, द मेन सिम्टम्स यानी कि मुख्य लक्षण क्या जिसके, तो प्रोटीन डिफिशेंसी इन चिल्ड्रन, बच्चों में प्रोटीन की कमी के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, तो हेयर ऑफ चाइल्ड चेंजेस कलर, द हेयर ऑफ चाइल्ड चेंजेस कलर एंड बिकम्स रेड, यानी बच्चे के हेयर क्या हो जाते हैं, रंग बदल जाते हैं और लाल हो जाते हैं। दूसरा स्किन ऑफ चाइल्ड क्रैक्स, बच्चे का स्किन क्रैक कर जाता है एंड बिकम्स स्कैली और रफ हो जाता है। स्टमक ऑफ चाइल्ड बिकम्स स्वॉलन एंड बल्जेस आउट, बच्चे का पेट फूल जाता है और बाहर निकल जाता है। स्वेलिंग ऑफ फेस एंड फिट ऑल्सो टेक्स प्लेस, फेस और फिट दोनों फूल जाते हैं। चाइल्ड हैज स्टर्न ग्रोथ यानी धीरे धीरे बढ़ते हैं। चाइल्ड हैज रिड्यूस्ड रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन, बच्चे में इन्फेक्शन का रेसिस्टेंस कम रह जाता है, मतलब घट जाता है, मतलब वो संक्रमण ज़्यादा झेल नहीं सकता है। चाइल्ड बिकम्स वीक एंड इरिटेबल यानी बच्चे कमजोर और चिड़चिड़े हो जाते हैं। और अब प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशेंसी डिजीज की बात करते हैं, द डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट ऑफ वेरी स्मॉल चिल्ड्रन कॉज्ड अ डिजीज नोन एज मैरस्मस, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण, इन द डाइट ऑफ वेरी स्मॉल चिल्ड्रन बहुत छोटे बच्चे में के भोजन में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण एक रोग होती है, एक बीमारी होती है जिसे मैरस्मस कहते हैं। मैरस्मस डिजीज अकर्स इन्फेंट्स यानी मैरस्मस डिजीज अप टू वन ईयर ऑफ एज, एक साल तक के एज के बच्चों में होती है। मैरस्मस डेवलप्स व्हेन इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ वन ईयर, जब एक साल से कम उम्र के बच्चे आर अब्रप्टली वेंड अवे फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क से बहुत बुरी तरह से छुड़ा दिया जाता है, एंड आर सब्सिक्वेंटली गिवन अ लेस न्यूट्रिटिव फूड, और इसे बहुत कम न्यूट्रिटिव फूड दिया जाता हो विच इज डेफिशियंट इन प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स से भी डेफिशियंट होती है, मतलब अभावजनित होती है, अभावपूर्ण होती है। सच अ फूड इज इनएडिक्वेट, और ऐसे ही फूड इनएडिक्वेट होते हैं फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मैरस्मस साउंड, और अब मेन सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशेंसी इन चिल्ड्रन की बात करते हैं, द चाइल्ड बिकम्स वेरी लीन एंड थीन, बच्चे बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। चाइल्ड इज रिड्यूस्ड टू जस्ट स्किन एंड बोन्स, चाइल्ड्स केवल स्किन और बोन्स तक ही रह जाता है, मतलब स्किन और बोन्स तक में कमी आ जाती है। द बोन्स ऑफ द चाइल्ड शोज थ्रू द स्किन, बच्चे का बोन्स स्किन से दिखता है। द रिब्स ऑफ चाइल्ड लुक वेरी प्रोमिनेंट, बच्चे का रिब्स बहुत ही प्रोमिनेंट दिखता है, मतलब बहुत साफ साफ दिखता है। द रिब्स मतलब अस्थि पंजर,
द चाइल्ड कैन नॉट इवन मोर इवन मूव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी, बच्चे यहाँ तक कि एनर्जी के लैक के कारण, ऊर्जा के अभाव के कारण, ऊर्जा की कमी के कारण मूव भी नहीं कर सकते हैं, हिलडुल भी नहीं सकते हैं। ग्रोथ ऑफ चाइल्ड स्टॉप्स कम्प्लीटली, बच्चे का ग्रोथ बिल्कुल ही या पूर्ण रूप से रुक जाता है। द चाइल्ड्स वेट बिकम्स वेरी लो फॉर हिज एज, बच्चे का वजन उसकी एज के अनुसार बहुत कम हो जाता है। और अब विटामिन डिफिशियंसी डिजीज की बात करते हैं। डिफिशियंसी विटामिन ए, डिफिशियंसी विटामिन ए वीकेंस आवर विजन, विटामिन ए की कमी हमारे विजन को कम कर देती है यानी कमजोर कर देती है। ड्यू टू दिस पर्सन हैविंग डिफिशियंसी विटामिन ए कैन नॉट सी प्रॉपरली इन डिम लाइट, इसके कारण अ पर्सन हैविंग डिफिशियंसी विटामिन ए, विटामिन ए की कमी वाले व्यक्ति कैन नॉट सी प्रॉपरली इन डिम लाइट, डिम लाइट में उचित रूप से नहीं देख सकते हैं। इनएबिलिटी ऑफ पर्सन टू सी प्रॉपरली इन डिम लाइट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, और डिम लाइट में उचित तरीके से व्यक्ति के अक्षमता इस क्या कहलाती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस कहलाती है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट कॉज अ डिजीज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नाम की रोग होती है जिसे रतौंगी कहते हैं। सेवर डिफिशियंसी विटामिन ए ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन लीड टू टोटल ब्लाइंडनेस, यानी लंबे समय तक विटामिन ए की भरपूर कमी के कारण टोटल ब्लाइंडनेस हो सकती है, मतलब पूर्ण आंध्रता हो सकती है। उसके बाद है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी वन, डिफिशियंसी विटामिन बी वन इन फूड कॉज अ डिजीज नोन एज बेरीबेरी, विटामिन बी वन की कमी से बेरीबेरी नाम की डिजीज होती है। द सिम्पटम एक बार फिर से, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी वन, डिफिशियंसी विटामिन बी वन इन फूड कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरीबेरी, द सिम्पटम्स विटामिन बी वन डिफिशियंसी आर इज फॉलोज, वो क्या क्या होते हैं, तो मसल्स ऑफ द पर्सन बिकम्स वेरी वीक, यानी मसल्स क्या हो जाते हैं, बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। एंड ही हैज वेरी लिटिल एनर्जी टू डू वर्क, और उसमें काम करने की बहुत कम ऊर्जा रह जाती है। द पर्सन में सफर हार्ट फेल्योर, और क्या हो सकता है इसके अलावा, हार्ट फेल्योर भी हो सकते हैं, और बिकम पैरालाइज्ड एंड देन डाई, और विकलांग भी हो सकते हैं और तब मर भी सकते हैं। उसके बाद आता है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, द डिफिशियंसी विटामिन सी कॉजेज डिजीज नोन एज स्कर्वी, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। द सिम्पटम विटामिन सी डिफिशियंसी आर, वो क्या क्या होते हैं सिम्पटम विटामिन सी, ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, मसूड़े से खून निकलना, लूजनिंग ऑफ टीथ, दांत का ढीला होना, एंड वॉन्ड्स डू नॉट हील इजिली, और जख्म या घाव आसानी से ठीक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, डिफिशियंसी विटामिन डी इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, यानी छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों के भोजन में विटामिन डी की कमी के कारण कॉजेस अ डिजीज नोन एज रिकेट्स, रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स हैज बो लेग्स एंड अ पीजन टाइप चेस्ट, एक बच्चे सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स, यानी रिकेट्स से सफरिंग बच्चे के बोलेक्स होते हैं, यानी बोलेक्स मतलब झुके हुए टांगे होते हैं, एंड पीजन टाइप चेस्ट होते हैं। एक्चुअली विटामिन डी हैव्स इन अब्सॉर्बिंग कैल्शियम मिनरल इन द बॉडी which makes the bone and teeth strong. When there is deficiency of vitamin D, then the bones of child remain soft. जब विटामिन डी की कमी होती है तो बच्चे की हड्डियाँ सॉफ्ट रह जाती हैं due to inadequate absorption of calcium. Calcium के
inadequate absorption के कारण. This soft bones bend easily under the child's own body weight. और ये soft bones easily बच्चे के अपने body weight से के under में वो झुक जाते हैं. In addition to the weak bones, the deficiency of vitamin D also leads to poor teeth formation. उसके कारण poor teeth formation भी होते हैं. और अब बात करते हैं लोग mineral deficiency disease की, minerals की कमी कारण होने वाले disease. तो some of the mineral deficiency disease are rickets, creatinism, goiter and anemia. तो अब बात करते हैं डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम की. व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न इट्स बोन्स आर सॉफ्ट. फॉर द बोन्स टू बिकम हार्ड कैल्शियम कंपाउंड्स मस्ट बी सप्लाइड. तो बोन्स को हार्ड बनाने के लिए, बोन्स के हार्ड होने के लिए कैल्शियम कंपाउंड्स अवश्य सप्लाई किया जाना चाहिए. इफ अ चाइल्ड डज नॉट गेट सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, यदि एक बच्चे को सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम नहीं मिलता है तो इसके बोन्स क्या हो जाते हैं, रिमेन सॉफ्ट एंड बेंड अंडर द वेट ऑफ इट्स ओन बॉडी. तो इसके बॉडी के वेट के नीचे इसके बोन्स झुक जाते हैं. दिस इज कॉल्ड रिकेट्स, इसे रिकेट्स कहा जाता है. दस द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन, इसलिए बच्चों में, बच्चों के भोजन में, बच्चों की डाइट में कैल्शियम की कमी के कारण रिकेट्स नाम की बीमारी होती है. द मेन सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स आर बो लेग्स यानी बेंड लेग्स एंड पिजन चेस्ट. और अब डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की बात करते हैं. द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन कॉजेज अ डिजीज नोन एज क्रेटिनिज्म, यानी बच्चों के भोजन में आयोडीन की कमी कारण क्रेटिनिज्म नाम की बीमारी होती है. द मेन सिम्टम्स ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन और क्रेटिनिज्म डिजीज आर रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ. क्या मेन सिम्टम्स होते हैं, तो फिजिकल ग्रोथ रुक जाते हैं एंड मेंटल डिसेबिलिटी, और उसमें मेंटल डिसेबिलिटी होती है, मानसिक अक्षमता. The deficiency of iodine in the diet of an adult person, और बड़े लोगों में, बड़े लोगों के भोजन में आयोडीन कमी के कारण ग्वाइटर नाम की बीमारी होती है. तो ग्वाइटर क्या होता है, ग्वाइटर इज द एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन आवर नेक. ये क्या होता है, एबनॉर्मल इनलार्जमेंट होता है और समान वृद्धि क्या चीज की, तो हमारे गर्दन में स्थित थायराइड ग्लैंड के असमान वृद्धि, यही ग्वाइटर कहलाती है. तो दिस इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन. सो द मेन सिम्टम ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी इज दैट द नेक ऑफ द पर्सन अपीयर्स टू बी स्वॉलन. तो मेन सिम्टम यानी मुख्य लक्षण यही होता है कि व्यक्ति का गर्दन फुला हुआ मालूम पड़ता है. द ग्वाइटर डिजीज इज मोर कॉमन इन हिली एरियाज, ये कहाँ होता है, हिली एरियाज में. बिकॉज द ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड ग्रोन इन सच एरियाज आर पुअर इन आयोडीन, क्या होते हैं, वहाँ का पानी, पीने का पानी और भोजन आयोडीन में पुअर होते हैं. ग्वाइटर डिजीज डज नॉट अकर इन कोस्टल एरियाज, ग्वाइटर डिजीज कोस्टल एरियाज में नहीं होते हैं. बिकॉज कोस्टल पीपल इट लॉट ऑफ सी फूड, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सी फूड खाते हैं. विच कंटेंट्स गुड अमाउंट ऑफ आयोडीन, जिसमें अच्छी मात्रा में आयोडीन होते हैं. द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ आयोडीन मिनरल इन आवर होम्स, हमारे घरों में आयोडीन मिनरल्स के सबसे कॉमन, सबसे सामान्य स्रोत आयोडाइज्ड सॉल्ट हैं. उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. आयरन मिनरल इज नेसेसरी फॉर मेकिंग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर रेड ब्लड सेल्स. आयोडीन मिनरल
हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए अनिवार्य होती है। डिफिशियंसी ऑफ आयरन रिजल्ट्स इन द ब्लड कंटेनिंग टू लिटिल हीमोग्लोबिन। इसके कारण क्या होते हैं, बहुत कम हीमोग्लोबिन वाले ब्लड होते हैं। द फंक्शन हीमोग्लोबिन इज टू कैरी ऑक्सीजन इन अवर बॉडी। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन द ब्लड ऑफ पर्सन इज नॉट एबल कैरी सफिशियंट ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। दिस लीड्स टू एनीमिया। इसके कारण क्या होता है, एनीमिया बीमारी होती है। तो कह सकते हैं द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द डाइट लीड्स टू डिजीज कॉल्ड एनीमिया। और कह सकते हैं कि एनीमिया इज अ डिजीज। एनीमिया वो बीमारी होती है इन विच द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड लेस देन नॉर्मल, जिसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है। तो अब सिम्टम्स बात करते हैं। द मेन सिम्टम्स ऑफ आयरन डिफिशियंसी आर पर्सन लुक्स पेल, पर्सन पेल दिखते हैं, भद्दे दिखते हैं, फील्स वेरी वीक बहुत कमजोर मालूम पड़ते हैं, महसूस करते हैं, टायर्ड्स इजली आसानी से थक जाते हैं, एंड लूजेस वेट और भार वजन घट जाती है। इस नेल्स आल्सो टर्न वाइट, उसके नेल्स भी वाइट हो जाते हैं। तो आज तक लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।